हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज ये क्रोशिया का पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखिए, ये दो रंग में बनाया है। ये आप लेडीज कार्डिगन पे, जेंट्स स्वेटर पे, बच्चों के स्वेटर पे, शॉल पे, स्कार्फ पे, किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। दोनों तरफ से एक जैसा डिजाइन है। ये देखिए, तो आइए बना के बताते हैं फ्रेंड्स। इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ 20 स्टिच की एक बेसिक रो ले ली है। तो अब हम राइट साइड चले जाएंगे। तो इसके लिए हमने, क्योंकि राइट साइड से डिजाइन स्टार्ट करना है, तो ये एक सिंगल क्रोशिया से रो बना लेते हैं। यहां से फ्रेंड्स हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे। दो चेन कर लेंगे और एज स्टिच लगा लेंगे, एक और दो। इसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पे चार स्टिच छोड़ देने हैं, एक दो तीन चार, और पांचवें स्टिच में जाके एक, दो, तीन, चार, पांच, सॉरी फ्रेंड्स, यहां पे दो चेन करने थे। ये दो चेन करेंगे और एक दो तीन चार स्टिच छोड़ेंगे पांचवे में, एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर से दो चेन करेंगे, एक दो तीन चार पांच, पांचवें स्टिच में चले जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, एक दो स्टिच चेन कर लेंगे, फिर से एक दो तीन चार पांच, पांचवें स्टिच में जाएंगे, यहां दो चेन कर लेंगे और लास्ट में एज स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हमने दूसरा कलर लगाना है, तो इस धागे को हमने यहीं छोड़ देना है और यहां से लेंगे, दो चेन करेंगे, एक और दो, यहां फ्रेंड्स हम देखिए दो बार रैप करेंगे धागे को,
तो नीचे हमने जो चार स्टिच छोड़े हैं, पहला स्टिच छोड़ देंगे तो दूसरे स्टिच में जाके इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए डबल रैप करके बनाना है हमने। नेक्स्ट स्टिच फिर ले लेंगे, ये जो चार स्टिच छोड़े हैं तो उन दोनों के एक स्टिच इधर छोड़ना है, एक इधर छोड़ना है, दो स्टिच हमने बना लेने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स दो चेन करेंगे, एक दो तीन चार पांच स्टिच है ये, तो एक दो तीसरे में इसको ऐसे टक कर लेंगे। फिर से दो चेन करेंगे और दो बार रैप करेंगे तो पहला स्टिच छोड़ देंगे, दूसरे में आ जाएंगे। फिर से दो चेन और एक दो छोड़ेंगे तो तीसरे में जाके इसको टक कर लेंगे, दो चेन कर लेंगे। और यहां इसको एक तीन बार बुनेंगे इसको, क्योंकि ये डबल किया है हमने, डबल रैप किया है तो तीन बार बुना जाएगा, ट्रिपल क्रोशिया होगा यहाँ पे हमारा। दो चेन करेंगे तो ये तीसरे स्टिच में आ जाएंगे, फिर से दो चेन करेंगे तो यहाँ फ्रेंड्स आ जाएंगे। दो बार रैप करेंगे इसके बाद ये एज स्टिच है ये लगा लेंगे। इसको हमने यहीं छोड़ देना है और दूसरा धागा ले लेना है। दो चेन और एज स्टिच लगा लेंगे। इसके बाद यहां पे दो चेन बनाएंगे तो इन दो स्टिचेस के बीच में आ जाएंगे, एक दो तीन चार पांच, फिर से दो चेन बना लेंगे और यहां आ जाएंगे। सॉरी फ्रेंड्स यहां पे एक ही चेन बनानी है हमने। ये साइड में है तो एक ही चेन बनेगी यहाँ पे। अब दो चेन और यहां आ जाएंगे। पांच स्टिचेस में लगाएंगे।
एक चेन, ये देखिए। अब फिर से ब्लू वाला कलर लेते हैं, देखिए फ्रेंड्स दो चेन कर लेंगे यहाँ पे, तो तीसरे स्टिच पे टक कर लेंगे, फिर दो चेन कर लेंगे और दो बार रैप कर लेंगे। देखिए जो ये वाला स्टिच है हमारा, तो ऐसे एक स्टिच हम इधर से लेंगे, ये सेंटर वाला स्टिच है, दूसरा स्टिच हमने यहां से लेना है ऐसे, फिर दो चेन कर लेंगे, एक दो और तीन, फिर दो चेन और यहां आ जाएंगे, फिर दो चेन कर लेंगे तो यहां आ जाएंगे, फिर दो चेन करेंगे तो एक दो तीसरे स्टिच में टक कर लेंगे, फिर से दो चेन करेंगे और दो बार रैप करेंगे। ये देखिए पहला स्टिच छोड़ेंगे तो दूसरे में ऐसे बना लेंगे, बीच वाला स्टिच छोड़ेंगे और इस साइड वाला स्टिच ले लेंगे, फिर से दो चेन करेंगे तो तीसरे स्टिच में आ जाएंगे, ऐसे टक कर लेंगे, फिर दो चेन करेंगे तो देखिए एज स्टिच लगा लेंगे, इसी तरह से फ्रेंड्स ये डिजाइन बनता जाएगा हमारा। ये देखिए ऐसे बनेगा, फ्रेंड्स यहाँ आप 22 स्टिच डाल लेना तो आपका डिजाइन सेट आ जाएगा। तो हमारा 5 इंच का पैटर्न बन रहा है 22 स्टिच डालने के बाद। पहले मैंने आपको यहाँ 20 स्टिच बता दिए थे गलती से, 22 स्टिच डालने हैं और आपका 5 इंच का पैटर्न तैयार हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Yeah.